हेलो स्टूडेंट्स, मैं अनुराग जायसवाल एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल KCL ट्यूटोरियल पे। स्टूडेंट्स, आज हम लोग डी फार्मा का जो सब्जेक्ट है फर्स्ट ईयर का, बायोकेमिस्ट्री एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी, उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट 15 क्वेश्चन की बात करूँ। जी हाँ, सिर्फ 15, 15 क्वेश्चन आप रट के जाइए, गारंटीड है कि आपके अच्छे नंबर आने से कोई नहीं रोक सकता। और ये 15 क्वेश्चन वो क्वेश्चन है जो हर साल रिपीटेड होते हैं, जो हर साल पूछे जाते हैं। अगर इस 15 क्वेश्चन में तो निश्चित है कि आपके 7-8 क्वेश्चन फंसेंगे ही फंसेंगे, हर साल आते हैं और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को देर ना करते हुए। और स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, हमें मोटिवेशन दीजिए ताकि हम आपके लिए कुछ और मेहनत कर सकें। ठीक है फ्रेंड्स, जो पहले 3 क्वेश्चन है, देखिए पहला प्रोटीन्स के बारे में लिखना है और ह्यूमन बॉडी में क्या रोल होता है उसका। आप प्रोटीन के बारे में जानते ही हैं, मैंने ऑलरेडी इसको डिटेल दिया था। राइट क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स एंड अमीनो एसिड्स, है ना, प्रोटीन का क्लासिफिकेशन है उनके स्ट्रक्चर बेसिस पे है। ओके, और अमीनो एसिड तो आप जानते हैं एसेंशियल नॉन एसेंशियल, उसके हिसाब से बताना है। कार्बोहाइड्रेट के बारे में बताना, डिफाइन करना है कि और इसके क्लासिफिकेशन है ना, मोनोसैकेराइड, डाईसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड, यही सब है तो उसका क्लासिफिकेशन, ये नोट्स जो बहुत आता है। फ्रेंड्स, केमिकल टेस्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट बहुत इंपॉर्टेंट, ये आता है, मैंने आपको इसका ट्रिक बताया था। अगर आपको नहीं देखा यूट्यूब पर, आप जाइए मेरे चैनल पर और फार्माकोग्नोसिस ट्रिक प्लेलिस्ट पे जाएंगे तो आपको इसका एक केमिकल टेस्ट का ट्रिक मिलेगा, बहुत जानदार, उसको देखिएगा फ्रेंड्स। ठीक है, आगे है लिपिड और उसके क्लासिफिकेशन को लिखना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। विटामिन आप जानते हैं दो प्रकार होते हैं, फैट सॉल्युबल, वाटर सॉल्युबल। फैट सॉल्युबल में आपका आता है एडेक, ADEK, वाटर सॉल्युबल में BC है ना, तो उसके टाइप्स है, उसका क्लासिफिकेशन लिखना है कि कौन कौन से क्या होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, वाटर और मिनरल बैलेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसकी फिजियोलॉजिकल बैलेंस कैसे करते हैं। तो हमें पता है कि हमारी पूरी बॉडी जो है वो वाटर से मिलकर बनी, करीब 71%, और मिनरल्स पाए जाते हैं जो आयन्स का मूवमेंट होता है उसी के थ्रू बॉडी में, कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन, या सारे फंक्शंस होते हैं, तो उसका मेंटेनेंस कैसे होता है हमारी बॉडी में, क्या क्या रोल है इनका, मिनरल्स और वाटर्स का बॉडी में, ये क्वेश्चन आप लिखिएगा। नेक्स्ट है एंजाइम एक्शन, ठीक है ना, ये एंजाइम एक्शन आप जरूर पढ़िएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कि लॉक एंड की मॉडल है मिल फिशर का और डायरेक्ट एलोस्टेरिक मॉडल है, ये सब आप देखिएगा। क्रेब्स साइकिल ग्लाइकोलिसिस तो निश्चित है, ये 100% इसमें से एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, या तो ग्लाइकोलिसिस या तो क्रेब्स। इस बार MP में जो एग्ज़ाम हुआ था, क्रेब्स साइकिल को TC साइकिल के नाम से पूछ लिया गया था, तो कुछ लोग क्वेश्चन छोड़ कर चले गए क्योंकि उनको पता ही नहीं था कि वो ट्राई कार्बोजिलिक एसिड होता है इसका पूरा नाम, तो TC साइकिल या सिट्रिक एसिड साइकिल के नाम से पूछ सकता है, तो आप इसको कन्फ्यूज मत होइएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शॉर्ट नोट है, ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लाइकोजेनेसिस, HMP पाथवे बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको HMP सेंट भी कहा जाता है, इसकी मैंने वीडियो डाली हुई है यूट्यूब पर, आप देखिएगा बायोकेमिस्ट्री के फोल्डर में जाके, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पूरा एक्सप्लेन किया हुआ मैंने। प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म, यूरिया साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये भी आता है हर साल लगभग। बीटा ऑक्सीडेशन, फैटी एसिड और बीटा ऑक्सीड, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी वीडियो पड़ी हुई है, आप जरूर देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फ्रेंड्स, पैथोलॉजी ऑफ ब्लड एंड यूरिन, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये तो आएगा ही आएगा, आप अब लिख के ले लो और इसकी पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ वीडियो पड़ी है यूट्यूब पे, जरूर जरूर पढ़ के जाना और नोट्स बना लेना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, बाकी अब नॉर्मल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूरिन एंड सिग्निफिकेंस इन डिजीज़, और लास्ट क्वेश्चन है क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम, ठीक है, IUB के हिसाब से ना, ओथिलिल, ऑक्सीडोडिरेक्टेज, ट्रांसफरेज, हाइड्रोलेज, आइसोमरेज, लाइगेज, है ना, यही सब पूरा जो क्लासिफिकेशन है। ठीक है फ्रेंड, ये थे 15 क्वेश्चन, बस 15 क्वेश्चन ही काफ़ी है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच इतना सपोर्ट करने के लिए, इतना प्यार करने के लिए, मैं अनुराग जायसवाल बहुत बहुत आभारी हूँ आप सबका, और आप लोग मुझे इस तरह से लाइक करते रहिए, कमेंट करके पूछते रहिए कोई प्रॉब्लम हो तो, और मैं आपके लिए मोटिवेशन मिलता रहेगा, मैं और भी वीडियो बनाता रहूँगा बहुत ही जल्दी। मैं नेक्स्ट 1-2 दिन में थोड़ा सा बिजी चल रहा हूँ, एग्ज़ाम चल रहे मेरे कॉलेज में, तो थोड़ा सा सेशन में बिजी हूँ, इसलिए बच्चों से आप लोगों से इंटरेक्ट नहीं हो पा रहा हूँ, लेकिन बहुत जल्दी मैं आपके लिए बहुत सारे एग्ज़ाम से पहले पहले सारा टॉपिक क्लियर करा दूँगा। ठीक है फ्रेंड्स, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स जुड़ना चाहें आप तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसको लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ पर जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच, बाय बाय।